एवरी वन वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग लेके आई हूँ एक्चुअली रिसेंटली मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब था बीच बीच में मैं मेरे उड़िया चैनल में ब्लॉग देती थी लेकिन इसके लिए टाइम निकाल नहीं पा रही थी इसके लिए सो सॉरी लेकिन अभी ट्राई करूँगी एक एक व्लॉग एटलीस्ट वीकली एक तो ब्लॉग इस चैनल में डालने के लिए एंड आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेके आई हूँ जो कि होने वाला है मेरे फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन एंड उसमें मैं ज़्यादा टाइम के लिए वेजिटेबल्स वगैरह को कैसे स्टोर करती हूँ जो कि ख़राब नहीं होते हैं तो स्पेशली फ्रीज ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना हमें कुछ ऑर्गेनाइजर्स चाहिए होते हैं जो कि चाहिए ही चाहिए है अगर आप चाहती हो लीफी वेजिटेबल्स को फ्रीज में आ, सेफ रखने के लिए एटलीस्ट फिफ्टीन डेज़ तक या ज़्यादा वेजिटेबल्स जो वार्किंग होते हैं स्पेशली एक बार वेजिटेबल्स वीक में लाते हैं तो उसको फ्रेश रखने के लिए मैं क्या करती हूँ ये सभी ट्रिक्स मैं बताऊँगी आज के वीडियो में उससे पहले ना मैं फ्रीज ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ शॉपिंग की थी तो आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ज़रूरी चीज़ें मैंने फ्लिपकार्ट से लिए हैं तो दिखा देती हूँ मैं आपको ये देखिए ये जो फ्रिज ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर आप देख लेंगे ना ये बहुत ही ज़रूरी ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजर है फ्रिज के लिए ये जो है क्लीन डिब्बे में दिख रहा है ना इसके साथ आपको एयरटाइट लीड मिल रहे हैं और इसका जो ख़ासियत है वो ये है कि इसके नीचे एक ऐसे दिया गया है जो कि थोड़ा सा हाइट में इस डब्बे में रुकता है तो जो लीफ़ी वेजिटेबल्स होते हैं या आप आ, ग्रीन चिलीज़ वग़ैरह जो रखते हैं वो नीचे पानी लग के फ्रीज में ख़राब होने का चांसेस होता है ये नीचे पानी चला जाता है और ऊपर प्रोडक्ट रह जाता है तो लीफ़ी वेजिटेबल काफ़ी फ्रेश रहते हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि लीफ़ी वेजिटेबल में क्या होता है ना अगर एक ख़राब होता है तो सारा खराब हो जाता है तो इसके लिए मैंने ये आ, ऑर्गेनाइजर लिया है फ्रिज के लिए इसमें आप नॉनवेज भी रख सकते हो फ्रेश रहेगा ज़्यादातर टाइम के लिए तो इसका ना चार सेट मैंने लिया है ऐसे उसके साथ फ्रीज ऑर्गेनाइज के लिए जो दूध वगैरह पैकेट्स होते हैं उसको रखने के लिए ये वाला स्लाइडर मैंने मंगवाई हूँ फ्रीज में रखने के लिए इसका डिफरेंट कलर भी आपको मिल जाएगा ऐसे रखने से ना इसके ऊपर आप दो चार मिल्क के पैकेट्स इजीली रख सकते हो और इजीली एक्सेस भी कर सकते हो मैं ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाऊँगी आराम से इतने सारे जो शॉपिंग मैंने किए हैं फ्रॉम फ्लिपकार्ट इसमें मैं बहुत सारे कैशबैक यानी कि रियल मनी भी अर्न की हूँ वो कैसे मैं आपको बताती हूँ क्योंकि ये सारे शॉपिंग मैंने गो पैसे के थ्रू शॉप किया है तो आप लोग सोच रहे होंगे गो पैसा क्या है तो गो पैसा एक ऑनलाइन कैश कैशबैक बैक अर्न कर सकते हो क्या गो पैसा में ना पंद्रह प्लस ऐसे साइट्स है जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया अमेजन हो गया एजियो हो गया ऐसे 1500 प्लस आपको मिल जाएंगे शॉपिंग जिस साइट्स जिसे आप शॉपिंग कर सकते हो गो के थ्रू आपको सिर्फ क्या करना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गोपेसा का डाउनलोड लिंक दे दी हूँ जिसको आप डाउनलोड करना है अगर मेरे लिंक के थ्रू आपको आप डाउनलोड कर रहे हो गोपेसा को तो आपको इंस्टेंट ट्वेंटी फ़ाइव कैश बैक भी मिल जाएगा एंड इसमें क्या करना है गोपेसा को डाउनलोड करना है गोपेसा में जाना है आपको जो भी साइट से शॉपिंग करना है जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया अमेजोन हो गया मिंत्रा हो गया एजियो हो गया जो भी हो गया आपको सर्च करना है वैसे वहाँ पर दिख जाता है लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा है आप सर्च कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया फ़्लिपकार्ट तो फ़्लिपकार्ट आ गया इसमें जो आ, रिवर्ड लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको ये रिडायरेक्ट करेगा आपके मोबाइल में या आपके पीसी में जो आपके फ्लिपकार्ट या Amazon का ऐप होगा उसमें ये रिडायरेट कर लेगा तो रिडायरेट करने के बाद नॉर्मली जैसे हम फ्लिपकार्ट या अमेजन से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको प्रोडक्ट ऐड करते जाना है कार्ट में आपका कार्ट क्लीन होना चाहिए उसके बाद आप ऐड करते जाओगे और नॉर्मली आप जैसे ऑर्डर प्लेस करते हो ऑर्डर प्लेस कर दोगे ऑर्डर प्लेस करने के बाद तुरंत आप जाके गोपेसा का अकाउंट सेक्शन में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा इसमें जो कैश बैक हो गया या रियल मनी हो गया जो अमाउंट है आपको पेंडिंग शो so करेगा पेंडिंग इसीलिए शो so कर रहा है क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट बाय किए हैं उसका रिटर्न पीरियड नहीं ख़त्म हुआ है जब आपके जो प्रोडक्ट को आप रिटर्न नहीं किए रिटर्न पीरियड ख़त्म हो गया तो वो मनी को आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो यानी कि रियल कैश रियल मनी अर्न कर सकते हो जो कि बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है तो हो गया ना शॉपिंग के साथ शॉपिंग और पैसा बचाव भी हो गया बहुत सारे तो देर की बात का है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गो पैसा का लिंक दिया गया है उसमें जाके डाउनलोड कीजिए एंड जितने बार आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उससे पहले गो पैसा करना बिल्कुल मत भूलिए ठीक है तो चलिए अभी नेक्स्ट दिखाती हूँ क्या क्या प्रोडक्ट मैंने लिया है नेक्स्ट जो प्रोडक्ट लिया है जो बचा कुचा खाना हमारे किचन में बच जाता है ना इसके लिए ये ट्रायो का है राउंड कलर का एयर टाइट ग्लास कंटेनर एक्चुअली प्लास्टिक का भी ऐसे मिल जाता है लेकिन मुझे लगता है जो लेफ्ट ओवर खाना हो जाता है ना उसको ग्लास में ही रखने से उसका स्मेल फ्रिज में खराब फ्रिज को ख़राब नहीं करता है इसी ये बिल्कुल एयर टाइट होके रहता है बिल्कुल ख़राब नहीं होता है लेफ्ट ओवर खाना इसका मैं सेट ऑफ थ्री ली हूँ ट्रायो ब्रांड का है एंड एंड ये जो ग्लास जार आप देख रहे हैं ना ये ग्लास जार मैंने लिया है फ्रिज के डोर में ही रखने के लिए मेरे पास जो दूध बच जाता है ना उसको मैं इसमें डाल के फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर दूध आता है जो कभी कभी बच जाता है तो उतना बड़ा बर्तन लेके फ्रिज में रखने के लिए फ्रिज में जगह नहीं होता है हमेशा इसीलिए इसमें डालो और फ्रिज के डोर में ही इसको फिट कर दो तो आराम से दूध रह जाता है और ग्लास के बर्तन में तो दूध खराब ही नहीं होते हैं और ये अच्छे खासे एयरटाइट कंटेनर भी है इसका मैंने ऑफ फोर लिया है और नेक्स्ट जो मस्टा प्रोडक्ट है जो कि फ्रिज में होना ही चाहिए वो है ये एक पुलिंग वाला बास्केट जिसमें आप फ्रूट्स रख सकते हो या वेजिटेबल्स रख सकते हो जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स रखोगे तो ये इजीली फिट हो जाता है फ्रिज में और आपको एक्सेस करने में भी इजी होता है क्योंकि इसमें हैंडल लगा हुआ है तो इजीली आप पुल करो प्रोडक्ट लो फिर रख लो पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें मैं सेटअप टू मंगवाई थी डिफरेंट कलर में इसका बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जैसे कि ये जाली जाली बना हुआ है इसका आपको मिल जाता है पूरे कवर वाला मिल जाता है या अभी अभी एक का भी आ रहा है तो आपके पसंदीदा आप ले सकते हो एंड नेक्स्ट जो मस्ट हव प्रोडक्ट है वो मैंने लिया है फेमोरा का ग्लास कंटेनर्स जो कि स्क्वायर साइज़ में है इसमें चार कंटेनर आपको मिलेंगे 400 हंड्रेड एम एल सिक्स एंड वन था वन थाउजेंड एम का जो कि ये देखिए फेमोरा ब्रांड का कंटेनर भी मैंने किचन में यूज किया है जो कि काफ़ी अच्छे रहते हैं ये देखिए ये जो फेमोरा का है ना काफ़ी स्टडी है काफ़ी सुंदर लग रहा है टाइट भी है ये आप माइक्रोवेव सेप भी है तो इसमें बचा कुचा खाना राइस हो गया कोई करी हो गया इसमें आराम से रख सकते हो यो डोसा बैटर भी कभी कभी बच जाता है तो उसको भी आराम से आप रख सकते हो फ्रीज जो मस्प प्रोडक्ट है वो है किचन फ्रिज के लिए जिप लॉक पाउच जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में आते हैं ये देखिए ये जो जिप लॉक पाउच है ना मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जैसे कि लार्ज हो गया मीडियम हो गया स्मॉल हो गया तो स्मॉल में आप मिर्ची वगैरह रख सकते हो मीडियम में आप अपनी जो कटिंग चॉपिंग करके रखते हैं मील प्लानिंग में उसको रख सकते हो बड़े वाले में आप पूरा वेजिटेबल्स जो होते हैं बड़े बड़े वेजिटेबल्स उसको रख सकते हो ये मैंने सेट ऑफ थ्री एक सेट लिया था जिसमें कि आपको लार्ज का एक पैकेट स्मॉल का एक पैकेट और मीडियम का एक पैकेट मिल जाता है उसके साथ ये नेट बैग्स भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं फ्रिज के लिए जो कि अगेन मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था तो ये जो नेट बैग होते हैं ना कुछ कुछ वेजिटेबल्स को नेट बैग की जरूरत होता है जिसमें कि वो फ्रेश रहते हैं इसीलिए नेट बैग भी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप वेजिटेबल स्टोर करके रख रहे हो एंड ये रीयूजेबल होते हैं क्लीन क्लीन करने में भी ईजी रहता है सेम जिपलप पाउच भी रीयूजेबल एंड क्लिनिंग में बहुत मतलब बार बार आप क्लीन करके यूज कर सकते हो एंड नेक्स्ट जो जिपलप पाउच है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो मसालों के लिए हैं कुछ कुछ मसालों ऐसा होता है ना हमारे किचन में जो कि रेगुलर यूज नहीं होते हैं जैसे कि बिरयानी हो गया राजमा मसाला हो गया छोले मसाला हो गया या आप बोल लो जो हम बनाते हैं कस्टर्ड का पाउडर हो गया तो वो सब ना वैसे रखोगे तो फ्रिज में वो कुछ दिनों के बाद कीड़े लग जाते कीड़े तो नहीं लगते हैं फ्रिज में लेकिन वो कीड़े लगने के जैसे हो जाते हैं जैसे कि बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है एक जगह में तो इसके लिए मैंने ये जिप लॉग पाउच का आ, सेट लिया है जो कि डिफरेंट साइजेस में आपको मिल जाएगा जो कि जार के सेप में है देखिए बड़े से लेके छोटे तक आपको इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस का पैकेट मिल जाता है जिसमें जिप लॉक है तो लॉक कर देंगे और कम जगह में फ्रीज में आप बहुत सारे मसाले भी स्टोर करके कर रख सकते हो तो ये इसके बाद ना ये लिया है जो कि अगेन एक फ्रीज में मस्ट है ऑर्गेनाइजर है इसमें ना फ्रीज में आप ऐसे डाल दोगे और इसमें नींबू मिर्ची वगैरह रखने के लिए ना आपको एक सही जगह मिल जाता है जिसका कि सेटअप टू मैंने लिया है एंड नेक्स्ट आप अगर फ्रिज में रखना चाहते हो अदरक हो गया ग्रीन चिली हो गया नींबू हो गया ये सब रखने के लिए ना ऐसे मसून जार इसे बोलते हैं जो कि इसमें आप ज़्यादातर टाइम के लिए फ़्रेश भी रख सकते हो और फ्रीज में जो डोर है ना डोर में ही ये फिक्स हो जाता है तो कम जगह में आपका काम हो जाता है एंड इसमें आप सिर्फ ये नहीं आप दही वगैरह या दूध वगैरह भी इसमें बच्चा कुछ रख सकते हो मैं इसमें घी बनाती हूँ जो फ्रिज में स्टोर करती हूँ तो इसमें आराम से आपका सात ग्राम घी आराम से रह जाता है तो मैं इसमें घी भी रखती हूँ ग्रीन चिली रखती हूँ अदरक को क्लीन करके रखती हूं नींबू भी रखती हूं इसमें तो बहुत सारे काम हो जाता है ये सेट ऑफ सिक्स मैंने लिया है एंड नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने दिखाई ये देखिए ये जो है ग्लास का जार इसे भी आप मसून जार या ग्लास जार बोल सकते हो इसे मैंने लिया है इसीलिए फ्रिज में जो हमारा चटनी वगैरह जो बनाता है ग्रीन चटनी हो गया या कोई भी इमली चटनी हो गया या हम लोग इडली चटनी बनाते हैं जो इडली साथ खाने के लिए कभी कभी बच जाता है तो ये जो है ना ये इसका जगह ही इतना काफ़ी है आप इसमें चटनी वगैरह रख के एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा भी और ख़राब भी नहीं होगा फ्रीज फ्रिज में कम जगह भी लेगा इसीलिए इसका सेट ऑफ फोर मैंने लिया है इसका कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा जैसे कि ये जो कैप है इसका कलर डिफरेंट डिफरेंट तो इतने सारे लिया था फ्लिपकार्ट से गोपैसा के थ्रो एंड बहुत सारे कैशबैक भी अर्न किए हैं रियल कैश जो कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी होते हैं तो शॉपिंग करने से पहले गोपैसा करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर गोपेसा अभी तक डाउनलोड नहीं किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसके थ्रू डाउनलोड कीजिए और ट्वेंटी इंस्टेंट कैश भी अर्न कीजिए ठीक है ना तो यहाँ पे मेरे जो ऑन ऑर्गेनाइज फ्रिज का एक टूर दे देती हूँ तो ऑर्गेनाइज होने से पहले कैसा दिख रहा था और ऑर्गेनाइज होने के बाद कैसा दिख रहा है तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा आ, तो ये जो फ्रिज है मेरे अभी अभी मैंने लिया है आ, इसका जो ऑनलाइन लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी डबल डोर का फ्रीज है एंड बहुत स्पेसियस है हमारे घर के लिए तो बहुत स्पेसियस है ऊपर का पार्ट फ्रीजर पार्ट है नीचे का पार्ट आप फ्रीज का पार्ट है ऊपर का पार्ट को आप फ्रिज में कन्वर्ट भी कर सकते हो नीचे के पर्सन देख रहे हो ऊपर का पार्ट जो है मिल्क और मलाई बैटर ये सबसे ऐसे फैला हुआ है ना एक को निकालने जाओ तो दूसरों को निकालना ही पड़ता है बहुत मैसी मैसी दिख रहा है एंड डोर भी बहुत ज़्यादा मैसी है तो इसको अभी ऑर्गेनाइज कर लेंगे हम लोग तो पहले तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स वगैरह को नेट बैग में यहाँ पे देखिए जो वर्ते के बैंगन होते हैं ना और जो विंडी हो गया उसको मैंने नेट बैग में पैक कर लिया है क्योंकि उसको जिप लॉक पाउच में भिंडी ख़राब हो जाता है तो ऐसे कुछ वेजिटेबल्स को जिप लॉक पाउच का ज़रूरत होता है कुछ वेजिटेबल्स को नेटबैक का ज़रूरत होता है जैसे कि यहाँ पे तोराई मैंने लिया है जिप लॉक पाउच में वो फ्रेश रहता है लीफी वेजिटेबल्स वगैरह जैसे कि पालक हो गया आपका या कोई भी लीफी वेजिटेबल साग वगैरह वो सब जिप लॉक पाउच में काफ़ी पंद्रह दिन तक आराम से आप क्लीन करके रखोगे तो रह जाता है ख़राब नहीं होता है फिर ये जो मसून जार मैंने लिया है इसमें मिर्ची का जो डंडा है उसको निकाल के मैंने मिर्ची को रख दिया है तो मिर्ची ऐसे फिफ्टीन डेज़ के वन मंथ तक भी फ्रेश रहता है बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और अभी तो पुणे में मिर्ची और नींबू का रेट बहुत ज़्यादा है एंड इसमें जो मसून जार है इसमें मैंने नींबू रखा है आप पानी डाल के भी नींबू रख सकते हो तो नींबू का जो पा, मतलब पानी है ना वो फ्रेश रहता है हमेशा एंड ये जो डिब्बा मैंने लिया था इसमें मैंने धनिया यानी कि कोरिएंडर लीव्स को अच्छे से क्लीन करके रख लिया है मैंने धोया नहीं है आप धो के अच्छे से सुखा के भी रख सकते हो इसके नीचे पानी रह जाता है तो ये पत्ता बिल्कुल फ्रेश रहता है वन मंथ तक एंड देन जो लैपटॉप और खाना हो गया करी बनाई थी सुबह में सोयाबीन करी और यहाँ पे मैंने मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाया था बैटर भी रह गया और आ, मेरे बचा कुचा खाना भी रह गया तो दोनों अच्छे से पैक हो गया फिर यहाँ पे जो मसाला ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं जैसे कि बिरयानी मसाला हो गया चाट मसाला हो गया ये हो गया कस्टर्ड पाउडर आ, ये सभी पाउडर मैंने जिप लॉक पाउच में पैक कर लिया है अभी नेक्स्ट फ्रूट्स बास्केट में मैंने यहाँ पे आम देखिए और फ्रूट और सैलड का ये जो बास्केट है ये मुझे और भी लेना है और एक दो मुझे चाहिए फ्रिज में तो इसमें मस मौसमी और एप्पल और पोमोग्रेट रखा है और इसमें कोकम्बर और आम रखा है तो अभी इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे मेरे जो फ्रिज का जो वेजिटेबल वाला बास्केट है ना वो बहुत बड़ा स्पेसियस है इसमें जिपलॉक पाउच में जब ही रख लेते हैं या नेट बैग में रख लेते हैं तो सभी वेजिटेबल्स अलग अलग जगह में रहता है मेसी नहीं दिखता है एक ही जगह में सब मिक्स नहीं होता है और फ्रेश भी रहता है फिर ऊपर के पार्ट में मैंने जो आ, कंटेनर लिया था उसमें मैंने मिल्क छाछ और पैकेट्स रख लिया और उसको रख दिया तो उसको एक्सेस करने में भी इजी रहता है देखिए इसे स्लाइड कीजिए और एक्सेस कीजिए एक निकालने के लिए दूसरा निकालना नहीं पड़ेगा और फ्रिज में मैंने यहाँ पे आ, जो देख रहे हैं आप वाटर का आ, जो आता है ना फ्रीज आ, मैट उसको डाल दिया है कट करके साइज में जो कि आंटी स्लिप ड्रॉयर का होता है मेरे ड्रॉयर में यूज की थी और यहाँ पे ऊपर के सेक्शन में मैंने यहाँ पे दो आ, हैंडल वाले बास्केट लगा दिए हैं और एक बास्केट के लिए भी जगह बचा हुआ है देख सकते हैं उसके लिए मैं और एक बास्केट लेने वाली हूँ जिसमें कि मैं अदर जो भी सैलेड वाले वेजिटेबल्स होते हैं उसको रखूँगी और उसके नीचे जो सेक्शन है उसमें जो बचा गुचा खाना हो जाएगा करी हो गया बैटर हो गया वो सब आप ऐसे ही एयरटाइट कंटेनर में रखोगे तो फ्रेश भी रहता है ख़राब नहीं होता है फ्रिज में उसका स्मेल भी नहीं जाता है और ज़्यादा टाइम के लिए टिकता है वही बात है एंड डोर को मैंने ऊपर के सेक्शन में देख सकते हैं सेजवन सॉस मेरे जो मायोनीज़ हो गया पिज़्ज़ा सॉस हो गया पीनट बटर हो गया एंड केक के लिए कुछ फ्रैगरेंस जो रखी हूँ और ऊपर के सेक्शन में ऐसे कुछ रखी हूँ नीचे के सेक्शन में अभी ये जो बिग साइज़ के मैंने जो आ, बैम्बो सेब का जो जार्स लिए थे ना उसमें मैं टमाटो के चप और आ, चिली सस और एक में मैं मैंने खड़ा मसाले रखे हैं जो कि एक्स्ट्रा मेरे किचन में था और एक में मैंने इमली चटनी रखा है छोटे वाले में और ये जब जिपलग पाउच में तो मसाला मैंने डाल दिया है और ये जो बीचों का जो सेक्शन है इसमें ना मैं कुछ चेरी रखती हूँ हमेशा मुझे चेरी खाना बहुत पसंद है उसमें मसून जार में एक में चेरी है दूसरे में होम घी मैंने बनाया था उसको रखा है थर्ड में मैंने कुछ पम्पकिन थोड़ा सा पम्पकिन बचा था तो उसको क्लीन करके इसके अंदर रखा है जो कि फ़्रेश रहता है उसके बाद चाय के लिए अदरक चाहिए होता है जो अदरक में क्लीन करके हमेशा ऐसे रखती हूँ तो जल्दी मिल जाता है उसके बाद नींबू और इसके बाद ग्रीन चिली तो पूरे डोर भी ऑर्गेनाइज हो गए पूरे फ्रिज ऑर्गेनाइज हो गए हैं एंड कितना क्लीन बिल्कुल मेसी नहीं लग रहा है सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया है एंड बहुत सारे जगह अभी भी है अभी भी अगर कुछ रखना होता है तो रख देते हैं तो चलिए फिर मैं अभी दिखाती हूँ ऊपर के सेक्शन में मैंने बटर रखा है चीज़ रखा है फ्रोजन के आइटम्स रखा है जो कि ज़्यादातर नहीं है मेरे घर में मैं फ्रोजन आइटम बहुत कम यूज करती हूँ एंड देन नीचे के सेक्शन में जाते हैं पहले आपने देखा था और ऑर्गेनाइज होने के बाद अभी ऑर्गेनाइज के बाद ऑर्गेनाइज करने के बाद दिखा रही हूँ ऊपर के सेक्शन में मैंने अंडा रखा है जो कि नॉन वेज सेक्शन मेरे फ्रिज में एंड ये उसके नीचे जो सेक्शन है मिल्क वाले सेक्शन है मलाई रखा है दोनों डिब्बे में उसको भी मुझे रिप्लेस करना है कांच में क्योंकि ये प्लास्टिक में है देन यहाँ पर सारे पैकेट्स मैंने दूध का रखा है और ऊपर का सेक्शन बिल्कुल दूध दही के लिए है उसके नीचे फ्रूट बास्केट सैलेड बास्केट है देख सकते हैं सारे फ्रूट्स और सैलेड्स कितने अच्छे से आप एक्सेस कर सकते हो उसके नीचे कुछ मैंने टमाटर रखे हैं टमाटर मैं हमेशा ऐसे ही ओपन रखती हूँ क्योंकि उसको ना जहाँ पे भी रखो वो ख़राब हो जाता है फिर ये जो एयरटाइट ग्लास कंटेनर में मैंने कुछ पोमोग्रेट का सीड रखा है और ये बचा कुछ कुछ आटा गूँधा हुआ रखा हुआ है एंड देन यहाँ पे बैटर मैंने मल्टीग्रेन बैटर बनाया था उसको रखा है तो अच्छे से ये स्टैकेबल होते हैं एक के ऊपर एक रह जाता है और कम जगह में फिक्स हो जाता है बहुत सारी जगह अभी भी बाकी है उसके नीचे जो कंटेनर मैंने लिया था यहाँ पे धनिया पत्ता और कुछ अदरक इसमें मैंने रखा है और यहाँ पे बहुत सारी जगह फिर भी है आप देख सकते हैं कितना अच्छा ऑर्गेनाइज और कितना स्पेसियस लग रहा है अभी फ्रिज एंड उसके नीचे मेरे वेजिटेबल वाला सेक्शन है जिसमें मैंने सारे जो भी वेजिटेबल्स हैं कुछ नेट बैग में कुछ जिप लॉक पाउच में मैंने रखा है जो कि ऑर्गेनाइज भी दिख रहा है एंड फ्रेश भी रहेगा एंड फ्रिज का जो डोर है उसका पूरा ऊपर का सेक्शन में मैंने रखा है आ, कुछ सॉस वगैरह जो कि किचन में ज़्यादातर मेरे यूज होते हैं उसके नीचे दिखाया मैंने चेरी फिर होममेड घी फिर यहाँ पे पम्पकिन कुछ बचा हुआ था फिर अदरक जो कि चाय के लिए मैं यूज़ करती हूँ नींबू और ग्रीन चिली जो कि अच्छे से ऑर्गेनाइज और फ्रेश रहेगा ज़्यादातर टाइम के लिए नीचे के सेक्शन में टमाटो केचप, ग्रीन चिली सोया सॉस मैं बाहर रखती हूँ और फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा खड़ा मसाला मैंने रख दिया है जो कि अच्छे से ऑर्गेनाइज और अच्छा भी दिख रहा है एंड uh, उसके पास इमली का चटनी और ये सारे मसाले जिप लॉक पाउच में यहाँ पे और भी बहुत सारे मसाले रह सकते हैं जिप लॉग पाउच में और दो पानी का बोतल तो ओवरऑल मेरे जो फ्रिज ऑर्गेनाइज होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है होप्सो आपको अच्छा लगा होगा अगर लगा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल और भी ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन वीडियो देखना है तो कमेंट करके आप बता सकते हो सब तो चलिए फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ टिल देन टिल देन सबको बाय टेक केयर